नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने आज अपनी बहाली और वेतन को लेकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिए गए। कन्नौज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए बताया कि GBKMRI कंपनी द्वारा संचालित एम्बुलेंस 108-102 ALS के कर्मचारियों ने कहा कि पायलट MP को मिनिमम वेज न देकर कंपनी कम वेतन दे रही है, इसमें महंगाई भत्ता कराए जाएं, मिनिमम वेज मिल जाने से कर्मचारियों को लगभग 13,000 मासिक वेतन मिल सकता है। जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि 12 घंटे के लिए जा रहे कार के घंटों को 8 घंटे किया जाए, अतिरिक्त के लिए 4 घंटे की मजदूरी डबल वेतन की दर से दिलाई जाए, 4 घंटे के तीली लिए जा रहे काम से बदले पायलट को 3,400 व EMT को 3,900 दिया जाए। उन्होंने बताया कि महामारी में एम्बुलेंस कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को जगह जगह से शिफ्ट करा रहे थे, आज उन्हीं के साथ सरकार से वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी के कार्यालय में कार्य लगभग 2,000 कर्मचारियों को भी मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा, उन्हें भी मिनिमम वेज दिलाया जाए, फिर भी देश में कंपनी द्वारा सरकार हम लोगों से ज्यादा काम कराती है और वेतन नहीं देती है। ऐसी महंगाई के दौर में परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं, सरकार से मांग की है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि धरना समाप्ति के पश्चात लगभग 9,000 कर्मचारियों की अवैधानिक ढंग से सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिसको सेवा में बहाल किया जाए, मजबूरन एम्बुलेंस बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती, सारे कार्ड छप कर दिए जाएंगे, कर्मचारियों को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है, सारे कार्ड ठप कर देंगे। सीबू सैनिक की रिपोर्ट। क्या नाम है? नीतीश कुमार, जिला अध्यक्ष कन्नौज। किस तरह संगठन मंत्री, किस तरह का आपका ये धरना प्रदर्शन था, क्या मांगे आपकी हैं? ये हमारा 6 अगस्त को माननीय श्रम आयुक्त बीके राय सर लखनऊ क्षेत्र और माननीय श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और अपर श्रम सचिव सुरेश चंद्रा जी के द्वारा धरना समाप्त करा गया। शासन के साथ कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, आप धरना को समाप्त करिए, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रशासन कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया। तो क्या आपकी मांगे पूरी हुई थी? अभी तक 4 महीने व्यतीत होने के बाद शासन प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के 95,000 कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं, भूखों तड़प रहे हैं, भुखमरी के गार पे हैं। आखिर इन कर्मचारियों का क्या दोष है जिन्होंने कोविड के 2-2 फेस में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा की है, घर घर जाकर सेवा की है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महामारी में सबसे बड़ी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को जब बिगड़ी थी, जब एम्बुलेंस के अलावा शायद उत्तर प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली थी, पुलिस और हमारे नगर पालिका अन्य जो कर्मचारी थे इसके अलावा कोई भी कोविड में काम नहीं कर रहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 9 कर्मचारी मेरे उत्तर प्रदेश में शहीद हो गए कोविड में। फिर भी हमारा कर्मचारी भूखों रात दिन सेवा करता रहा, 24 करोड़ हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की सेवा करता रहा, इसका क्या न्याय मिला? आज 9500 कर्मचारी बाहर हो गए। मैं न्याय लेकर जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो किस तरीके का आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे? प्रदेश व्यापी आंदोलन करूंगा, मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ ने जो आगे आके माननीय महामंत्री अनिल उपाध्याय जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनिल सर जो है अनुपम सर हैं, उन्होंने धरना समाप्त कराया था, माननीय श्रम आयुक्त बीके राय ने धरना समाप्त कराया था बीके राय सर ने, तो सभी से मैं शासन सत्ता जिला प्रशासन सबसे गुहार लगाता हूँ। आज भी यही मेरा जिला संगठन और प्रदेश संगठन यही गुहार लगा रहा है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्या का समाधान के मैं काम पर लौटना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनता की सेवा करना चाहता हूं। मेरी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना कोई राजनीतिक संगठन है, मैं कर्मचारी संगठन हूं, कर्मचारी संगठन की आवाज़ उठाऊंगा, कर्मचारी संगठन की प्रतिदिन 24 घंटे हर समय पूरे जिंदगी आवाज़ उठाऊंगा। जो संगठन भारतीय मजदूर संघ जीवनदानी संघ निर्धारित करेगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी जो तय करेंगे उसी के अनुसार आगे का आगामी कार्यक्रम होगा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।